गाय को गलती से मैंने स्टॉप कर दी, ये कैमरा ऑन करना था, गलती से मैंने स्टॉप कर दिया। कुछ नहीं होता, दोनों सेम ही पार्ट्स हैं, आप एक एक करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। टूल्स, कैमरा ऑन कर रहा हूँ, हाँ अभी मजा आएगा ना बिडू। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे तरफ रिमूव द गेम एंड मैं थोड़ा सा इसको छोटा छोटा करने वाला हूँ और इधर कोने में लगाने वाला हूँ, इससे अच्छा लगेगा ना। हाँ गाइस, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग तोड़ रहे थे वुड और अब सोच रहे ही तरफ फोकस, कैमरे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है पता नहीं, क्योंकि मैं गेम खेल रहा हूँ और गेम की तरफ फोकस जाएगा तो उस साइड भी कैसे जाएगा ना फोकस। ये भी जाए देखो मेरा फोकस जा रहा है, हाँ फोकस जा रहा है मेरे उस पर, ठीक है। तो अब 64 भी हो गया, हम इधर से चीज़ें कचरा फेंक रहे हैं ना, ये भी फेंक रहे हैं अभी। अबे नहीं चाहिए ना, नहीं जी ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, आइए मत चीज बस। और मेरे से मैंडिंग लगी हुई है ना, मैंडिंग लगी हुई है, मैं ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा तो अपने आप रिपेयर हो जाए। और हाँ आगे जाके मेरे न्यू फ्रेंड्स भी आएंगे इसमें, तो वीडियो देखना मत भूलना मेरी। और आ जाते वक्त शुगर लगी नहीं, आधा पेड़ तो ऐसे ही टूट गया। और यार सैपलिंग सैपलिंग्स इसकी सैपलिंग्स, अबे ओके मैं क्या करूँगा, मैं तो एक ही चमड़ी का हो गया फिर। और मुझे एक और पेड़ ढूंढना है डार्क ओक का, मुझे सामने मिल चुका था और मैं इसे तोड़ ले, बस तोड़ ही रहा था इसे और जस्ट मेरी एक्स बस टूटने ही नहीं वाली थी। पीछे अगर क्रीपर आ गया तो पता था मेरे साथ होने क्या वाला है, और आ गया। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसको मजाक कर रहा हूँ, कोई वॉइस ओवर नहीं कर रहा मैं इसे। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने वॉइस ओवर जैसा बोल रहा हूँ लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा। तो फिर मैंने पेड़ तोड़ा और फिर उसके बाद कितनी लकड़ियाँ चाहिए थी वो सारी मैंने इकट्ठा करी, और मेरे पास पता नहीं क्या था, हो रही इसमें स्पेस नहीं हो रही थी, तो मैंने और भी तोड़ दिए पेड़। और मेरे पास इनफ हो चुके थे दो दो स्टैक, थोड़ी सी और चाहिए थी लकड़ियाँ, मैं वो भी इकट्ठा कर ली। और अब चुके थे मेरे पास 24, मुझे एक और स्टैक करना था, काम बन जाए मेरा। मैंने एक पे एक और तोड़ दिया, बहुत सिल्क टच नहीं है ना शवल, ना इसमें शवल नहीं लाया, क्रॉसबो तो लाया। गाइस मेरी दो स्टैक हो चुकी थे और पाउडर का पता नहीं मैं क्या करने वाला था, रॉटन फिश भी ज़्यादा और ख़त्म हो गया। थैंक यू, और अभी मुझे घर और मेरे पास बेड नहीं था, नाइस मुझे बेड चाहिए थी शीप्स, मैं भी शीप ढूंढने जाने वाला था नहीं, तो मेरा मन में आया एक आइडिया, मुझे बना मैंने प्रोटेक्टिंग के लिए आयरन गॉलम्स बनाए
दो आयरन कॉलम्स बना दिए मैंने। दो आयरन कॉलम्स, ठीक है आयरन कॉलम्स, तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्टिंग, मुझे प्रोटेक्ट करना। मुझे क्या दिख रहा था, दिख रहा था मुझे उसी टाइम पे घर मिल गया। वहाँ पे रहने वाला तो हम ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा वो बेस, तो इसके लिए मैं अपने घर से बहुत दूर चला जाता हूँ। इतनी दूर जाने वाला हूँ मैं, और सामने दरिंदे भी दिख रहे थे, मतलब बीस्ट्स, मतलब मॉन्स्टर, मतलब मॉन्स्टर लेजेंड्स, मतलब तो मुझे इसकी एक बात पता चलेगी, हम रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये अच्छी बात लगी मुझे, ट्रेन में ट्राइडेंट से ट्रैवल करो मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पे बैठा और ये उड़ान भरी, ये बहुत ऊपर उड़ान हो रही थी मैंने, और सीधा ज़्यादा एक हेल्थ का पूरा डैमेज हो गया, और जल्दी भी होगा और भी होगा। मैं क्या माउंटेन लड़ रहा हूँ, सीधा ऊपर ट्राइडेंट मार, सीधा पेड़ पे लॉन्च। अगर यहाँ से एक भी पत्ती नीचे होती ना मैं मर जाता, ऊपर जाने वाला था मैं नीचे। भाई ज़्यादा हेल्थ की डैमेज नहीं खानी मुझे, और मैं आ चुका था पेड़ के वहाँ पे, और अब मुझे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना था। मैंने ट्राइडेंट मारा और नाइस आ गया था मैं, और सिर्फ इतने से हार्ट आ गए थे। मैंने शुक्र है देख लिया, वरना वहीं पे मेरा डी एंड हो गया। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से खाना खाया, खाना खा लिया था, एक हो चुका था, और ट्राइडेंट उठाया और सीधा ऊंचा मारा पट से। भाई सिर्फ चार आठ रहते हैं मेरे, थोड़ी सी री होने देते हैं हेल्थ को, ये पता चले मेरा वहीं पे डी एन है। और जब मैं थोड़ा सा जा ही रहा था, हेल्थ रिकवर हो चुकी थी, और मुझे सैंड के पहाड़ मिल रहे थे, पता नहीं क्यों मिल रहे थे, और मैं सीधा पानी को मैं गया, और ऊपर को मारा ट्राइडेंट, पूरा ऊपर को मारा जिससे मैं पूरे बाहर निकल जाऊँ, और वो फाइनल ट्राइडेंट मारा। मैं यहाँ तक पहुँच चुका था, यहाँ से मारूँ ना, देखो कितनी ऊपर जाता हूँ मैं। यार वाटर बकेट ट्रिक करनी चाहिए मुझे, वाटर बकेट तो है नहीं, वाटर बकेट ट्रिक मुझे घर बनाने के परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, और जानते जानते मैं आ चुका था समुंदर के पास, समुंदर के पास नहीं, आइस बैम में आ चुका था मैं, तो मुझे यहीं से ट्राइडेंट मार सकता था मैं, लेकिन मैंने मारा नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आया फिर मारा, ये पकड़ा और आधा तो मैं कवर ही कर लिया था। क्या था, बर्फ गिर रही थी और ये आ गए थे हम लोग आइस पे। फिर कह रहा था आइस जैसी फीलिंग तो आई रही थी, वहाँ से मुझे चाहिए थी आइसेस। यहाँ की सबसे गंदी बात थी कि मैं ट्राइडेंट यूज नहीं कर सकता था, तो मैंने मिली एरोज, देन क्या फेंकना चाहिए था, मैंने एक सीड का भी फेंका, बोनी चाहिए मुझे एरोज मिली, तो मैं अभी यूज कर सकता था। मेरा बहुत सारा स्ट्रेस चाहिए था,
यहाँ पे ट्री स्पॉन होने के सिर्फ इतने चांसेस हैं 63%, क्योंकि ये आइस बॉम्ब नहीं है। अभी जाकर मुझे दूसरा मिला है। यहाँ पे लोग जम जाते हैं। और ये जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, आपको एक सीक्रेट बात बतानी है, किसी को भी मत बताना आप लोग। ये जो आप ये माउंटेन्स देख रहे हो ना, ये स्नो वाले, ये ना सारे के सारे जब बहुत पहले ना, ये ना एकदम प्ले बायम था, प्लेन बायम। यहाँ पे मॉब स्पॉन होते थे कभी कभार, वो मर जाते थे सुबह होती। जब वो मर जाते थे तब यहाँ पे थोड़े थोड़े से ऐसे माउंटेन्स बनते रहते थे, और ये फिर उसको नाम दे दिया स्नो माउंटेन्स। पता नहीं मुझे हिस्ट्री पता चली तेरी मैम। दिन अंडरमेंट था, मुझे एंटरपोल मिल गई थी और मुझे फेंकना था कुछ कुछ। मुझे चार एंटरपोल्स मिली थी, और यहाँ पे क्रीपर स्पॉन होने का 470% चांसेस हैं। और फिर मैंने डुक्की मारी और ट्राइडेंट लिया और सीधा ऊंचे की तरफ निकला। ओके मन में गिरा, ये भी ठीक किया। ओके मन में गिरा बर्फीले में। हाँ आ गया था मैं अपने बड़े से, यहाँ से मैं पूरा स्नो बायम देख सकता मैं, बाकी उधर तो स्नो बायम यहाँ से तो मैं अभी इस पे टाइम करने वाला था। 100 डे कर दिया और ये बढ़िया हमारा डे, और मार चुका था डे। लेकिन अभी भी बारिश हो रही थी, वो फिर मैंने ये डाला, वेदर डाला, क्लियर वेदर भी क्लियर हो गया। वेदर क्लियर, अच्छा वेदर तो क्लियर हो चुका है, पर फिर भी स्नो फॉलिंग होगी ना, है समझे। यार एक तो यहाँ पे ना इतनी तेज होती थी ना, यार वो निकली ना, ये है ब्लू आइज। तो मुझे अच्छे से एक जगह पे घर बनाना था, तो सॉरी फ्लेम है मैं क्रिएटिव में गया। भाई घर नहीं बनानी है, सच सच घर बनानी है, अच्छे से लोकेशन चेक करनी थी मुझे। उड़ के मजा आता है लोकेशन चेक करने में। लगता था बहुत बढ़िया है स्वयं में, तो आप देख सकते हो यहाँ का मैं बुर्ज खलीफा भी मिल चुका था, देख सकते हो आप। जैसे कि ये बुर्ज खलीफा था बिल्कुल भी, तो मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे तोड़ के अपना आइस पैलेस बना लूँ, और उसके साइड में ही मुझे मिल चुका था एक बायम जहाँ पे अभी भी रेन हो रही थी। मैं कसम से कह रहा था मुझे सनराइज चाहिए, अरे सनराइज ही हो रखा है। क्लियर चेंजिंग टू क्लियर वेदर, क्लियर हो जाए यार वेदर। हाँ हाँ गाइस, मुझे अपने स्कूल से मुझे स्कॉलरशिप मिली है, तो आई डोंट नो बट यहाँ पे
यार हम लोग जल्दी से हम आपको क्रॉस वाली यूज़ करना सिखाते हैं। देखो ये सामने बनता है, ठीक है। तो ये हमारी डाको क्लॉक, एक दो तीन चार पाँच छ, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं ऑफलाइन घर बैठ के बना लूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।